अभी हम प्रभु यीशु मुक्तिदाता यीशु के बारे में सीखने वाला है, तो इसलिए हम लोग ये गाना ये गीत गाते हुए थोड़ा तैयार करेगा। मुक्ति दिलाए यीशु ना, जोर से
जाए यीशु ना, शांति मिलाए यीशु ना। थैंक यू, धन्यवाद। बैठिए बैठिए। एक चीज हम सबों को गहराई से मालूम होना चाहिए, ये प्रभु यीशु ईश्वर है, भगवान है। और हम लोग ये भी सुना, प्रभु यीशु हमारा भाई है। प्रभु यीशु पुरोहित है। लेकिन क्यों, क्या इससे, ये सब के अलावा सबसे गहराई में ये समझना चाहिए, प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता है। कौन है प्रभु? मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता। प्रभु को मुक्तिदाता का रूप पर अपनाना चाहिए, तभी हमें अपने पापों से मुक्ति मिल सकता है। यीशु शब्द का मतलब क्या है? कल सीखा ना, नहीं सीखा? कल हम लोग सीखा है यीशु, वो जो शब्द एक हिब्रू इब्रानी पद है, उसका मतलब है गॉड सेव्स, ईश्वर मुक्ति देता है। गॉड सेव्स, ईश्वर मुक्ति देता है। ईश्वर ही मुक्ति दे सकता है इंसान को, स्वयं अपने पाप से मुक्ति नहीं मिल सकता है। ये एक सत्य जानना चाहिए, ये एक सत्य है, सत्य है। लेकिन हम लोग को वो सत्य नहीं समझने से हम लोग गुस्सा हो जाता है दूसरे पर। तुम वो कितने बार बोला है ऐसा दारू पी के आने के लिए, ऐसा दारू पी के नहीं आने के लिए। अभी तुम ऐसा दारू पी के आया तो तुम्हारा टकड़ी तोड़ दूंगा। हाँ, समझ गए? हम सबों पर गुस्सा हो जाता है, तुम पाप करना नहीं चाहिए। एक दिन एक माँ ने मुझे फोन किया, बोला देखो मेरा बेटा बहुत शराब पीता है और कुछ क्या बोलता है, सब तबाका नहीं तो बहुत कुछ खाता है। मैं उसको कितने बार बोलता है, उसको तो मालूम होना चाहिए इतना खराबी है, फिर भी वो क्यों पूता है। मैं उसको बोला है कल वो आएगा तो, कल ऐसा दारू पी के आएगा तो मैं उसको घर में घुसने नहीं देता। उसके बाद ब्रदर जी थोड़ा प्रार्थना कीजिए। आखिर में बोला मैं क्या प्रार्थना करेगा, किसके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए करेगा ना आपका बेटा के लिए करेगा, मालूम नहीं मैं क्या करूं, मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं। तो मैंने उससे पूछा आप माला मंदिर माता मरियम का रोसरी प्रार्थना करते हैं ना? हाँ, तो रोज करते हैं। और उसमें हम ये प्रार्थना है, हे प्रभु तुम
क्या है संसार की पाप करने वाला प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। कौन है? संसार के पाप हरने वाला प्रभु यीशु। योहन का सुसमाचार अध्याय एक में 35 नहीं तो 29 को क्या बोलेगा? 29 वहां वजन लिखते संत योहन बापतिस्मा ने प्रभु को दिखाते हुए कहा। दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपने और आते देखकर देखा और कहा, देखो। सब लोग दबराते हुए बोलिए, देखो ईश्वर का मेमना। ऊंची आवाज से, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। मैंने ये माँ से पूछा, आप ये प्रार्थना करते हैं क्या? हाँ, मैं रोज करता हूँ। ईश्वर का मेमना संसार के पाप करता है। ईश्वर का मेमना संसार के सारे करता है, मुझे दया कर। ईश्वर का मेमना संसार के पाप करता है, मुझे दया कर, बोलता है। तो मैं बोला उसको, थोड़ा आस्ते बोलिए, ईश्वर का मेमना संसार का पाप हरता है और हराने वाला वो। तो मैं ये माँ जी से पूछा, ये वो कौन है, वो मेमना कौन है? वो तो प्रभु ईसा मसीह है। तो उन्होंने क्या किया? क्या मालूम ब्रदर जी, आप ऐसा पूछेगा तो वो सब तो नहीं मालूम है, लेकिन हम बचपन से प्रार्थना करता है ईश्वर का मेमना संसार के पाप करने वाला, ईश्वर का मेमना संसार के वाला, ईश्वर का मेमना संसार के पाप करने वाला, ईश्वर का मेमना संसार के पाप करने वाला। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इतना सब जानकारी मुझे नहीं है। यही जानकारी होना चाहिए। मैंने उम्मा जी से कहा, पूछा, आपके घर में एक क्रूसिफिक्स एक क्रूस है क्या, जिसमें प्रभु क्रूस पर जीवन बिताते हुए देखा है ना? हाँ है, मेरे घर में है। उसको देखिए, क्रूस में प्रभु यीशु को मार डाला। प्रभु यीशु ने क्या किया ये सब उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए? तो मैंने कहा, क्या आप ये विश्वास कर सकता है क्या, प्रभु यीशु नहीं तो पहले विधान में लोग बलिदान चढ़ाने के लिए एक मेमना को बलि चढ़ाता है। मतलब मेमना मतलब एकदम अच्छा छोटा एक बछड़ा। लेकिन मेमना का रक्त से पाप नहीं होता है, पाप नहीं निकलता है। तो ईश्वर ने अपने पुत्र को
संसार भर के समस्त मनुष्य का पापों को पापों से उन्हें मुक्ति मिलने के लिए ईश्वर ने अपना पुत्र को मनुष्य बनाया। वो मनुष्य यीशु को एक मेमने के जैसे बलिदान किया, उसके रक्त से संसार के सब लोगों का पाप से उन्हें मुक्ति मिलता है। तो मैंने पूछा, आपका बेटा का पाप भी उसमें है क्या? संसार के पाप संसार के समस्त मानव का पाप से, पाप के कारण पाप से मुक्ति मिलने के लिए प्रभु परमपिता ने उसका बेटा प्रभु ईसा मसीह को एक मेमना को जैसे बलि चढ़ाया वैसे बलि किया। इसलिए बोलता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लाते हैं। अच्छा, अभी समझ में आया। तो आप ये विश्वास करता है कि संसार के सब पापियों का पाप प्रभु ने उनका शरीर पर ले लिया। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, उसमें आपका भी पाप है, आपका पिताजी का, आपका पहले का, कितना भी खानदान है वो सबका पाप है, और आपके आने वाला पीढ़ियों का पाप है, खास करके आपका जो बेटा अभी दारू पीकर इतना खराबी जीवन बिताता है उसका भी पाप प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। ये आप विश्वास करेगा क्या? हाँ, मैं करता हूं। यही हमारा विश्वास मंत्र बोलने का मतलब, देखो संसार के पाप हरने वाला मेमना। तब मैं बोला, अभी आप कल वो लड़का फिर दारू पी के आएगा तो क्या करेगा? उसका पैर तोड़ने से, उसको आप गुस्सा करने से उसका दारू पीना छोड़ सकता है क्या? नहीं होता है। परंतु अगर आप उसको प्यार से बोले, बेटा देखो यहाँ आओ, देखो ये सूली पर कौन है, ये प्रभु यीशु को देखिए, ये प्रभु यीशु तुम्हारा और हमारा समस्त संसार का सब कुछ बुराईपन उन्होंने ले लिया। आइए बेटा, थोड़ा विश्वास करो, और ये भी विश्वास करो, तुम्हारा ये दारू पीना और जो कुछ भी बुराई है, ये तुम स्वयं उससे मुक्ति नहीं मिल सकता, तुमको स्वयं उससे मुक्ति नहीं मिल सकता, तुमको ईश्वर का सहायता का जरूरत है। इसलिए ईश्वर मुक्तिदाता बनकर आया है ताकि हमें सहायता करे। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा उनको समझाइए और उनको गला लगाइए, बेटा तुम्हें मैं इतना प्यार करता हूं, चलो हम दोनों मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा बच्चों का मुक्तिदाता है,
और तुम ही संसार का मुक्तिदाता है। हाँ, समझ में आया, समझ में आया भगत जी, समझ में आया। ऐसा करेगा क्या? करेगा। लेकिन मुझे यकीन है जरूर उसके द्वारा उनको मुक्ति मिला, क्योंकि उसके बाद वो मुझे कभी फोन नहीं किया। मतलब उसका ठीक हो गया। प्रभु ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता है, मतलब सिर्फ ईसाइयों का नहीं। जैसे मैंने कहा होगा, प्रभु ईसा मसीह ईसाइयों का एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। प्रभु ईसा मसीह जब शरीर धारण किया तब कोई ईसाई नहीं था, क्रूस पर जान दिया तब भी कोई ईसाई नहीं था। प्रभु ईसा मसीह समस्त संसार का मुक्तिदाता है करके विश्वास करना चाहिए हमें। लोग बोलता है कि मैं ईसाई नहीं हूं, मैं हिंदू है, मैं बुद्धिस्ट है, मैं मुसलमान है, मैं जो आप कोई भी हो, लेकिन प्रभु यीशु आपको प्यार करता है। प्रभु यीशु आपका पाप अपने ऊपर ले लिया है और आपको छुटकारा दिया है। यह अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव हमें होता है, ऐसा होता है कि पहले इसका पहला अनुभव प्रभु ईसा मसीह ईश्वर का मेमना, ईश्वर का बेटा है, ईश्वरी है। और वो अनुभव हमें मिलने के लिए सबसे पहले उसका वचन, प्रभु ईसा मसीह जो वचन है, उन्होंने जो वचन घोषणा किया, वो वचन हमारा हृदय पर आने से वो वचन हमारे अंतरतम में घुस जाता है, जैसा दूधारी तलवार जैसा, दूधारी तलवार जैसा। जैसे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इब्रानियों के नाम पत्र में ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त और कोई भी दूधारी तलवार से भी तेज है। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 4:12। सब लोग मेरे पीछे दबराइए, ईश्वर का वचन 4:12। क्योंकि ईश्वर का वचन, ऊंची आवाज से ईश्वर का वचन, हाथ उड़ाते हुए ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। देखो ऐसा लिखा है कि ईश्वर का वचन जीवंत, जीवंत मतलब क्या है? सशक्त जीवंत। समझो कि मेरा ये हाथ बीमार हो गया, इसको जीवन नहीं है, नहीं उठ सकता है, जीवन नहीं है, लेकिन मुझे चंगाई मिला तो मेरा हाथ चेगा, उसको बोलता है जीवन। उसको इंग्लिश में बोला गया डायनामिक पावर, जीवन। तो कहता है कि ईश्वर का वचन को जीवन है, सशक्त है,
और दोधारी तलवार जैसा हमारे व्यक्तित्व में, हमारा व्यक्तित्व में तीन भाग है, हमारी आत्मा, मन और शरीर। तो वही यहां लिखा है, आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता, आत्मा अंतरतम। हमारे आत्मा में कौन घुस सकता है? सिर्फ ईश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। तो ईश्वर का वचन में ऐसा शक्ति है, वो हमारा शरीर, मन और आत्मा में प्रवेश कर वो मन और शरीर और आत्मा में जो भी बुराइयां है उसको दूर कर सकता है। कृपा, कृपा, कृपा मतलब क्या है? ईश्वरीय जीवन इंसानियत में, ईश्वरीय जीवन इंसान का जीवन में मिलन होता है, तभी इंसान ईश्वर मिलता है, ईश्वर इंसान पवित्र होता है, वही है मुक्ति। मुक्ति दादा प्रभु ईसा के द्वारा ऐसा किया। सब लोग हाथ उठाइए, हल्लेलुया। हे प्रभु येसु, तू मेरा मुक्ति दादा है। हे प्रभु येसु, तू मेरा मुक्ति दादा है। तू मेरा शांति दादा है। तू संसार का मुक्ति दादा है। हे प्रभु येसु, मेरा जीवन में बहुत सा पापमय अवस्था है, ये पापमय अवस्था से मुझे स्वयं मुक्ति नहीं मिल सकता। हे प्रभु येसु, तू संसार का मुक्ति दादा है, मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे रक्षा दीजिए। हालेलुया। मुझे एक पुराना गीत याद आता है, बहुत साल के पहले मैं जब रायपुर जबलपुर पर था तब वहाँ से सीखा है। मालूम नहीं है ये आपके जगह पर ये गीत है कि नहीं। कोशिश करता है। वो दो दो किस्म से गा सकता है, एक तो वहां का लोग कैसे गाते हैं ऐसा गा सकता है, और थोड़ा सा मेकअप करके दूसरा तरीका से भी गा सकता है। वहां का लोग गाते हैं, यीशु मेरे डाटा, यीशु मेरे ट्राटा, उसका ही मैं गुण गाता। समझ में आया? अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। यीशु मेरे डाटा, यीशु मेरे ट्राटा, उसका ही मैं गुण गाता। गाइए, यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। अभी मैं थोड़ा सा सीधा गाएंगे। यीशु मेरे दादा, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। आइए, यीशु मेरे दादा, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। वही थोड़ा ऊंचा हो गया, मुझे उतना मालूम नहीं है। वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा, वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा। बोलिए, वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा, वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा, परम पिता का वह न्यारा न्यारा। अच्छा लगता है ना, परम पिता का वह न्यारा न्यारा। आइए, वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा, वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा,
परमपिता का वह न्यारा न्यारा परमपिता का वह न्यारा न्यारा वही है सबका सहारा सहारा येशु मेरा दाता येशु मेरा त्राता येशु मेरा दाता येशु मेरा त्राता उसका ही मैं गुण गाता येशु मेरा दाता येशु मेरा त्राता उसका ही मैं गुण दाता वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा वही है ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा परमपिता का वह न्यारा न्यारा परमपिता का वह न्यारा न्यारा वही है सबका सहारा सहारा वही है सबका सहारा सहारा येशु मेरा दाता येशु मेरा त्राता उसका ही मैं गुण गाता तो सचमुच में यही है वही है सबका सहारा वही है सबका सहारा सहारा येशु मेरा दाता येशु मेरा त्राता उसका ही मैं गुण गाता तो हमें ये हमेशा दिल में होना चाहिए हे प्रभु येशु तुम्हारा बिना मैं जीवन नहीं कर सकता तुम्हारा बिना मेरा जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा बिना मेरा जीवन में पापमय अवस्था से दूर नहीं हो सकता चरणी में तूने जन्म लिया येशु चरणी में तूने जन्म लिया येशु सूली पे किया विश्राम सूली पे किया विश्राम क्यों क्यों किसी लिए हम सब के पापों को मिटाने आइए हम सब के पापों को मिटाने हम सब के पापों को मिटाने येशु हुआ बलिदान येशु हुआ बलिदान ये सब सिर्फ गीत नहीं ये सत्य है क्या है सत्य है सच्चाई है प्रभु ने समस्त संसार के लोगों को उनके पाप से छुटकारा देने के लिए उन्होंने जीवन बलिदान किया इसलिए हम गाएंगे जब से प्यारा येशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा येशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया समझ में आया अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहिए क्या देखो कोई लोगों को हम लोग बोलता है देखो आइए ये डिवाइन भजनाश्रम में जाके आप थोड़ा 5 दिन का बिंदी उपवास में नहीं 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 मैं नहीं आता है वो क्यों बोलता है वो आएगा तो बदल जाएगा वो आएगा तो बदल जाएगा फिर दारू पीना नहीं कर सकता फिर बीड़ी पीना नहीं कर सकता बदल जाएगा इसलिए वो नहीं आता है तो एक दूसरा गीत है कैसे बदला मुझ में कैसे बदला मुझ में जब मैं यीशु के पास आ गया हड्डिया दादू पीना मैंने छोड़ा हड्डिया दादू पीना मैंने छोड़ा हड्डिया दादू पीना मैंने छोड़ा
जब मैं यीशु के पास आ गया कैसे बदला मुझ में, कैसे बदला मुझ में, जब मैं यीशु के पास आ गया। यीशु के पास आने से, यीशु हमारा जीवन पर मिलन होने से बस बदल जाएगा, ये जरूर है। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा, ये बहुत जरूरी है। यीशु को प्यार से हमारा दिल में बसा ले तो क्या करेगा? प्यारे यीशु को पास बुला ले, मन के पाप माइल धो के छुटा ले। कहिए, प्यारे यीशु को प्यास बुला ले, मन के पाप माइल धो के छुटा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से। सबके मालिक यीशु भगवान, सबके मालिक यीशु भगवान, सबके मालिक, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, धर के लगन मस्त मगन नाम सुमर ले, धर के लगन मस्त मगन नाम सुमर ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। सब लोग खड़े होकर थोड़ा सा तालियां बजाकर नाचते हुए गाएंगे, हैं आपको मालूम है गीत थोड़ा बहुत है ना? हाँ, आइए। सचमुच आप हृदय में प्रभु को प्यार के साथ अपनाइए, प्यार के साथ अपनाइए। यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे दाता, उसका ही मैं गुण गाता। यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे दाता, उसका ही मैं गुण गाता। वही है ईश्वर पुत्र प्यारा, प्यारा परम पिता का वह न्यारा, न्यारा। वही है ईश्वर पुत्र प्यारा, प्यारा परम पिता का वह न्यारा, न्यारा। वही है सबका सहारा, सहारा। यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे दाता, उसका ही मैं। ओके, अभी प्यारे यीशु को या जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन मोरा, यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां के जिंदगी से, इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर, इस जहां के जिंदगी से, इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर, मुझे छुटाया जान देकर। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी, समझ में आया?
बदल गया। क्या क्या बदल गया? तब से दिल, दिल पहले बदलाव कहाँ होना चाहिए? दिल। तब से दिल बदल गया, तब से दिल, मेरे मन, मेरी काया, काया मतलब शरीर, शरीर सरा अर्थ समझ के गाइए। तब से दिल मेरे मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया। पाप झाल से हमको बचा ले, पाप झाल से हमको बचा ले, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे। सद्दा की उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सद्दा की उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सद्दा की उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सद्दा की उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सद्दा की उसे चुन के अपना दोस्त बना ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से। आइए बैठिए। अभी हम थोड़ा गहराई में जाने वाला है। देखो ये सब गीत किसके बारे में है? मुक्ति के बारे में है, है ना? तो आप ये गीत गाते वक्त सिर्फ ऐसा गाना नहीं चाहिए, इसको गहराई, ये सब ईश्वर का वचन के आधारित है, ईश्वर का वचन के आधारित है। सबसे पहले हमारा विश्वास यही है, हम विश्वास मंत्र में कहते हैं, हमारा विश्वास, विश्वास प्रख्यापन करते हुए, हे प्रभु पाप मोचक, कहाँ है विश्वास? देखो विश्वास एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। अच्छा, उसके बाद वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौटा है, एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। ईसा मसीह, तो ईसा मसीह मतलब क्या है? ईसा मतलब ईश्वर मुक्ति देता है, मसीह मतलब वही, उसका भी मतलब यह है कि मसीहा मतलब जो हमारे लिए भेजा है, उनका आत्मा द्वारा हमें मुक्ति मिलता है। ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड वन। तो ये दोनों पद का अर्थ समझना चाहिए। ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं, वह ईश्वर का एकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौटा है, वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं, वो पिता पुत्र। उसका अर्थ से मालूम है पुत्र कहां से होता है? पिता से, है ना? हमारा घर में पिता माता पुत्र है, पुत्र कहां से आया? पिता से आया।
और किसके लिए आया? उसी को, उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है। मतलब सारा विश्व ये पुत्र के द्वारा बनाया गया है और सब कुछ बनाया गया है, वह हम मनुष्यों के लिए। अभी खास बात, हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए। देखा, सब लोग हाथ उड़ाते हुए दोहराइए, और हम मनुष्य के लिए, मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पंतियोस पिलातुस का समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। देखो, यही हमारा विश्वास है। तो ये विश्वास में सबसे पहला ये विश्वास होना चाहिए, वो शरीर धारण किया, मनुष्य बना। वो कब हुआ? 2000 साल का पहले। उसके पहले भी प्रभु था लेकिन शरीर धारण नहीं किया था, पिता के साथ था, समस्त सृष्टि उनके द्वारा हुआ है। वो आदि में जो शब्द वचन था, लेकिन वो वचन 2024 साल का पहले मनुष्य बन गया, शरीर धारण किया। अभी एकदम ध्यान से सुनो, हम लोग बोलता है कि क्रिसमस, क्रिसमस मतलब बहुत त्योहार है। क्या है त्योहार? सबों को प्रसन्न दाना मिलता है, सबों को कुछ सब मिलता है, वही हम सोचता है। हाँ, क्रिसमस आने वाला है, अभी सबों को बहुत तोहफा मिलेगा। लेकिन क्रिसमस मतलब क्या है? ईश्वर मनुष्य बना, शरीर धारण किया, ये समझना चाहिए। शरीर धारण किया मतलब किसका शरीर लिया? हम पापी मनुष्य का शरीर प्रभु यीशु ने ले लिया। प्रभु यीशु ने हमारा पापी मनुष्य का शरीर उन्होंने अपनाया और उन्होंने क्या दिया? उनका ईश्वरीय अवस्था हमें दे दिया। उसको बोलता है कि बाटिस। अभी आपका घर में चावल है, दूसरा का घर में गेहूं है, तो आप लोग अच्छा सोच समझ के बोलता है कि देखो, हम 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल आपको देता है, आप 1 किलो गेहूं मुझे दे देना। हाँ, कोई बात नहीं, है ना, सही सलामत, अच्छा है ना। ये हम लोग हमेशा करता है ना, करता है। प्रभु ने ऐसा ही किया। प्रभु ने क्या किया? देखो, तुम्हारा गेहूं मैं ले लेता हूं और मेरा चावल तुमको दे देता हूं, तुम्हारा पाप मैं शरीर मैं ले लेता हूं और मेरा पवित्र शरीर पवित्र जीवन तुमको देता हूं। क्या ये आप विश्वास कर सकता? क्या ये साधारण रीति से मुझे, हम लोग को नहीं हो सकता है विश्वास करना? हमें ये विश्वास नहीं कर सकता, मैं पापी व्यक्ति को वो शरीर प्रभु ले लिया। इसको कलेसिया, देखो हमारे मिसा बलिदान में ये प्रार्थना है, ये मिसा बलिदान में ये सब प्रार्थना है। वो समझना, समझकर आप प्रार्थना के समय पर श्रद्धा से समझना चाहिए। वो जो
रखने को। ये जो परम प्रसाद का ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, वो जो प्रार्थना है ना, वो प्रार्थना के बाद यही प्रार्थना, हे प्रभु तेरा आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल, हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सान्निध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तूने हमारे लिए इतना महान कार्य किया है उसके उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। उतना बड़ा काम, वो कौन सा बड़ा काम किया, वो ये कौन सा बड़ा काम किया, तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। मतलब उन्होंने हमारा मानव स्वभाव अपना के उनका ईश्वरीय स्वभाव हमारे लिए दे दिया। ये थोड़ा विश्वास करने का कोशिश करो। ये रोज मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसको बोलता है क्रिसमस शरीर धारण। क्रिसमस मतलब क्राइस्ट मास, क्राइस्ट बिकम मास, मतलब क्रिस्ट उनका जीवन हमें दे दिया और हमारा पापमय जीवन उन्होंने ले लिया। बाटी सिस्टम, ये कलेसिया का धर्म ग्रंथ में 426 ये नंबर लिखना, खास करके जो क्या बोलता है, खास करके कैंडिडेट्स और सिस्टर लोग लिखना 526 को कितना बोले हैं, 526 जो नोट लिखता है लिखना, और इंग्लिश में भी पढ़ के देखो, आजकल गूगल ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट कर सकता है ना। हाँ, हमारे पास है उसका ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन में किया है लगता है, देखो अभी बताएंगे। अभी मिलेगा, अभी मिलो, नहीं आया। अच्छा, अभी नहीं मिलता है वो, कहाँ चले गए। हाँ, मिला मिल गया। मैं अभी
526 भगवान के साथ संबंध में एक भगवान के साथ संबंध में एक बच्चा बनाना भगवान के राज में प्रवेश करने के की शक्ति है। इसके लिए हमें खुद के विनम्र बनाना होगा, छोटा बनाना होगा। इतना ही नहीं बल्कि ईश्वर के पुत्र बनाने के लिए हमें फिर से जन्म लेना था, ईश्वर से जन्म लेना। अव्यक्त है जब मसीह हमारे अंदर बनता है, वो उसके बाद में इधर नहीं है। वो खास बात इसमें नहीं बना। अच्छा, मैं इंग्लिश में पढ़ेगा, इसके लिए ये लिखा है क्रिसमस मतलब ए मार्वलस एक्सचेंज, मतलब एक 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 लेना देना, मार्वलस एक्सचेंज। ओ मार्वलस एक्सचेंज, मैन्स क्रिएटर हैज बिकम मैन, जो मनुष्य का सृष्टिकर्ता ईश्वर मनुष्य बना, ईश्वर मनुष्य बना कुवारी मरियम के द्वारा मनुष्य बन गया। उसके द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे दुर्बल शरीरों को अपनाया और उनका ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाया। अभी ये जो मिसा बलिदान पर हम प्रार्थना करता है वही आप पकड़ लो। वो क्या है प्रार्थना? तेरी ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। ये पेज नंबर 35। आज मिसा के समय पर आप ध्यान से सुनो, ये रोज प्रार्थना होता है, हम लोग बराबर सुनता नहीं। हाँ, वो तो फादर जी प्रार्थना करते रहता है, ऐसा नहीं, उसमें बहुमूल्य रहस्य है। देखो उसके बाद क्या हुआ, तूने हम पतितों का उद्धार किया। उद्धार मतलब क्या है? जो हमारा पापमय अवस्था हमको हमारे मानुषिक शक्ति से उससे उद्धार मुक्ति नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं बोला, मैं बहुत सिगरेट पीता था, मैं थोड़ा दारू पीता था, लेकिन मैं बहुत बार कोशिश किया उससे उद्धार होने के लिए, मुझे नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मुझे ये विश्वास हुआ कि मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर मुझ में निवास करता है, ईश्वर किसके लिए मुझ में निवास करता है,